महाराष्ट्र के सियासी घमासान में महाराष्ट्र राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार का परिवार बिखर चुका है, लेकिन इस सियासी हलचल के बीच एक ऐसा परिवार फिर से जुड़ने की संभावना है जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता था। हम बात कर रहे हैं ठाकरे परिवार की। जहां अजीत पवार के सत्ता में आने के बाद शिंदे सेना के विधायक नाराज हैं, वहीं अब कहा जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं के बीच सुलह की बातचीत शुरू हो गई है। अब एक साथ आओ लिखे बैनर देखे जा रहे हैं। इन बैनर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र निर्माण सेना यानी कि एमएनएस सेना के मुखिया राज ठाकरे के बीच सुलह की बात कही जा रही है। ऐसी अटकलें चल रही हैं कि अलग थलग पड़े ठाकरे बंधु आने वाले चुनावों के लिए एक साथ हाथ मिला सकते हैं। एमएनएस नेता अभिजीत पानसे और ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत की एक साथ यात्रा ने इन कयासों को और हवा दी है। दोनों नेताओं ने नाहूर से प्रभा देवी तक एक ही कार में यात्रा की। अभिजीत पानसे ने नाहूर में संजय राउत से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता प्रभा देवी मैच ऑफिस के लिए रवाना हो गए। राउत के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा सीलिंग मार्ग से यात्रा करते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते से मैच ऑफिस गई। इस यात्रा की खास बात ये रही कि संजय राउत की कार ने ज्यादातर फ्लाईओवरों पर जाने से परहेज किया, इससे उन्हें और बातचीत करने के लिए वक्त मिल गया। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। पनसे से जब ठाकरे भाइयों के बीच सुलह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ठाकरे गुट और मनसे के बीच गठबंधन का फैसला मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं ले सकता। मेरे राउत से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। संजय राउत से मेरा निजी काम था, इसके लिए मैं उनसे मिला। पनसे ने कहा, ये केवल व्यक्तिगत मुलाकात थी। उन्होंने सवाल पर भी चुप्पी साध ली कि क्या ठाकरे फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। राउत से मुलाकात के बाद पनसे शिव तीर्थ गए, वहां उनकी मुलाकात राज ठाकरे से हुई। वहीं संजय राउत सीधा उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। इसलिए ठाकरे बंधुओं की सुलह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को देखते हुए ठाकरे बंधुओं के बीच कोई सुलह हो सकती है। वहीं हाल ही में जब पत्रकारों ने राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला से पूछा कि क्या ठाकरे की विरासत और शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने पत्रकारों से ही जवाबी सवाल पूछ लिया कि आप एक साथ आने के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बात होने दीजिए, फिर देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि शर्मिला ने दोनों भाइयों के हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।